मोमिनीन अल सैयदा मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मस्जिद का पूरा व्यू दिखाते हैं जी आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के कुएं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं खालिद हसन। मैं हूं आयत हसन। आपको पता है कि मैं मक्का शरीफ में आया हुआ हूं। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के लिए आए हैं हम, और मक्का की बहुत सारी ज़ियारतों के व्लॉग्स बना रहे हैं। आज मैं आया हुआ हूं, जैसे आपको पता है कि ये मेरे पीछे बहुत ही प्यारी खूबसूरत वाइट कलर की एक मस्जिद नज़र आ रही है। तो तारीखी मस्जिद है, बहुत ही मशहूर मस्जिद है। इसका नाम है मस्जिद जौराना। तो इसकी तारीख के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आयत जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे ताइफ गजवाए ताइफ से वापस आ रहे थे, इस मुकाम पे रुके थे। ये देख लें कितनी प्यारी मस्जिद है। यहाँ पे उन्होंने मस्जिद जौराना जो है ना, ये तामीर की थी। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आपने उम्रा करना है ना, वो जब गजवाए ताइफ वापस आए तो यहाँ से उन्होंने एहराम बांध के उम्रा किया था। तो इसको मेकात भी कह सकते हैं। आप यहाँ से एहराम बांध के उम्रा कर सकते हैं, ये मिकात की हद भी है। तो अभी मैं आपको पूरी मस्जिद दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। आज का जो हमारा व्लॉग होगा मस्जिद जौराना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जौजा मैमूना बिनते हारिस, उनके कब्र अनवर के पास आपको ले गए, वो ज़्यारत करवाई जाएगी। चलते हैं, आपको दिखाते हैं मस्जिद जौराना। तो ये है जी मस्जिद जौराना, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ नमाज मगरब अदा करेंगे वजू करके। ये देखें, बहुत सारे लोग आपको एहराम की हालत में भी नजर आएंगे, क्योंकि ये यहाँ से एहराम बांध के उम्रे के लिए निकलेंगे। और यहाँ पे सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने जो ना बसेस भी चलाई हुई हैं, आप एहराम बांध के। अजान का वक़्त हो गया जी, ये मगरिब की अजान हो रही है जी। नमाज मगरब अजान हो गई है जी। अब वजू करके सबसे पहले हम नमाज अदा करेंगे, उसके बाद अपने व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। नमाज मगरब पढ़ते पढ़ते बिल्कुल अंधेरा छा गया जी, शाम हो गई। ये देखें, आपको मैं रात का मंजर दिखाता हूँ जी मस्जिद जौराना का। अब हम यहाँ से निकलेंगे। प्लान तो यही है कि
हज़रत मैमूना बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक पे जाया जाए। लेकिन अब आगे रास्ता और टाइम देखते हैं कि क्या बनता है। मस्जिद का पूरा व्यू दिखाते हैं जी आपको, कितनी प्यारी लग रही है। ये वॉशरूम बने हुए हैं, यहाँ से आप गुस्ल करके आराम पहन के उम्रे के लिए जा सकते हैं। तो अभी हम निकलेंगे दूसरी ज़ियारा की तरफ। وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। ये पूरा इसका मस्जिद जुराना की जो हिस्ट्री है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ पे उन्होंने, ये देखें बैटल ऑफ ताइफ, इन्होंने जो माल माले गनीमत इकट्ठा किया था ना, वो यहाँ पे तकसीम हुआ था। ये देख लें जी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के कुएं हैं। ये अभी ऊपर से उन्होंने बंद किया हुआ है, ये देख लें झाड़ियों से बिल्कुल ढका हुआ है ये कुआं। इसको छोटा सा गेट लगा हुआ है, इन्होंने बंद कर रखा है इसे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का है, ये यहाँ से पानी जाता था। ये मस्जिद जुराना की बिल्कुल बैक साइड पे है। मस्जिद जुराना के बारे में एक और बात आपको बताता चलूँ कि इस मस्जिद की और भी बहुत अहमियत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में टोटल चार उम्रे किए थे और एक उम्रा यहाँ से अहराम बांध के किया था। तो इसलिए इस मस्जिद की इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि कुछ उलमा कराम बताते हैं कि मस्जिद आयशा की निस्बत आप मस्जिद जुराना से अहराम बांधेंगे तो वो बहुत बेहतरीन होगा। तो अभी हम निकलते हैं जी हज़रत मैमूना बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के रोज़ा अनवर की तरफ। जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो आपको दूसरी ज़ियारत है ना, वो हज़रत मैमूना बिनते हारिस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़ौजा थी, यहाँ पे उनकी कब्रे मुबारक है। ये देख लें आप, यहाँ पे उनको दफन किया गया है। तो ये जो आप पीछे रोड आ रहा है ना, ये रोड सीधा मदीना की तरफ से आ रहा है और ये सामने मक्का शरीफ है। ये देखें, ये मदीना की तरफ से आ रहा है और ये सामने मक्का है और ये हज़रत मैमूना बिनते हारिस का घर है, उनकी आखिरी आरामगाह है। तो अभी मैं आपको करीब से उनका व्यू दिखाता हूँ। ये है जी उम्मुल मोमिनीन अल सय्यदा मैमूना बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो अभी मैं करीब से आपको लेके चलता हूँ। ये कैसर है, नूर के साथ ज़ियारत कर रहा है जी, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है माशाल्लाह, आज इसके पास मैं आया हुआ हूँ। तो अभी मैं दिखाता हूँ, ये है जी उनकी कब्रे मुबारक। ये देखें, कोई निशान नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा ये बना हुआ है और इसको ये पूरी चार दीवारी के साथ ये जंगले लगा के कवर किया हुआ है। ईमानदार पेशेंट ना, ये जी اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد।
مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. माशाल्लाह जी मज़ा आ गया, माशाल्लाह जी बहुत बहुत अच्छा लगा हज़रत मैमूना की कब्र की ज़्यारत करके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि खालिद हसन के ज़्यारतों के और भी व्लॉग्स आपको मिलते रहें। अभी तो मक्का शरीफ की बहुत सी ज़्यारतें बाकी हैं, जितनी मैं कवर कर सकता हूँ आपको दिखाऊँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, दुआ में याद रखें, अपना ढेर सा ख्याल रखें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।